जदयू विधायक का घर भी घिरा बाढ़ के पानी से। बोले, अगर सरकार में नहीं होता तो धरने पर बैठ जाता। शहर के कई मोहल्लों में बागपती नदी का पानी घुस गया है। रत्नोपट्टी सुम करपुर बाजितपुर बेला बेड़ा बाजार शिवाजी नगर सेनापद भगवान दास चितुगाजी आदि मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ 8, 9 एवं 23 में चारों तरफ करीब छाती भर पानी है। बाढ़ 30 में शेर मोहम्मद भींगो तथा सहनी टोली के अलावा अब मिर्जा हयात व नीम चौक पर भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ 21, 21 और 22 में लगातार नदी का पानी फैल रहा है। सड़कें डूब गई हैं। वार्ड 6, 7 के अधिकांश इलाके की सड़क भी घुटनों से ऊपर पानी का बहाव हो रहा है। वार्ड 10 के गुदरी बाजार सब्जी मंडी का दक्षिणी भाग पानी में डूब गया है। एक तो पहले से ही केवटी प्रखंड में आधा दर्जन बांध टूटे हुए थे। ऊपर से सीसो पूर्वी के बिरने में बांध टूटने से धीरे धीरे शहर में जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। महाराजी पुल पटेल चौक में बाढ़ की जो तस्वीरें बन गई है उसे देखकर कहा जा सकता है कि वर्तमान जलस्तर 2017 के जलस्तर को छूता हुआ नजर आ रहा है। पानी दिनों दिन लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में लोगों का जीवन और विकट होता जा रहा है। वहीं जदयू से हायाघाट विधायक जिनका आवास दरभंगा के शिवाजी नगर में है बाढ़ में डूबा है। सरकारी व्यवस्था को ले वे काफी नाराज नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार में लोग कहेंगे सरकार का विरोध कर रहा हूँ, अगर सरकार में नहीं होता तो शिवाजी नगर चौक पर धरने पर बैठ जाता। आज यही बात पटना में हुआ होता वो हाहाकार मचता। राष्ट्रीय चैनल इस विषय को लेकर बड़ा खबर बनाता, लेकिन आज दरभंगा के अंदर आधा आबादी इस नरकीय जीवन में जी रहे हैं, किसी को बहुत मतलब नहीं है। हम आज जिलाधिकारी नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किए हैं कि अगर पूर्व के स्वरूप में हम होते तो हम शिवाजी चौक के पास अनशन पर बैठे होते। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति वही है, जनहित में हमको अनशन पर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन आज हम अनशन पर बैठेंगे तो लोग कहेंगे सत्तारूढ़ दल के विधायक सरकार के विरोध में अनशन पर बैठ, कहेंगे कि गरीब आवाम के हित के लिए, जो शहरी आबादी है उसके हित के लिए आज देखते हैं गुल्लोमारा बड़ा बाजार का एरिया जो है चारों तरफ जलमग्न है। उस जल को निकासी के लिए हम आग्रह करेंगे कि शीघ्र आप जल निकासी की व्यवस्था करें, हम सब आपके साथ हैं। अगर जल निकासी में आनाकानी करेंगे तो आपके विरोध में हम सब साथ खड़ा होंगे और सड़क पर उतरेंगे तो उसका जवाबदेही आप लोग का होगा। दरभंगा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।